स्टार्ट। महोदय, शिक्षा भी ऐसा ही मुद्दा है। हमारे देश में 19वीं शताब्दी में शुरू हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में ही शिक्षा के समर्थन में आवाज़ उठने लगी थी। इस प्रकार सरकारी प्रयासों से पहले ही अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाओं ने शिक्षा के प्रसार के प्रयास शुरू कर दिए थे। सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर काम करने वाली संस्थाओं ने अपनी गतिविधियों का और विस्तार किया, जिनमें लड़कों के साथ साथ बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के विशेष प्रयास भी शामिल थे। स्वतंत्र भारत ने जो संविधान स्वीकार किया, उसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया गया। हालांकि यह संकल्प अभी तक अधूरा है, फिर भी सरकारी व गैर सरकारी स्तरों पर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप देश में साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। 20वीं सदी के अंत तक सबके लिए शिक्षा मुहैया करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हम अभी इस लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं। फिर भी पुरुष और महिला साक्षरता दर में वृद्धि के आंकड़े लगातार ऊपर की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। यह उपलब्धि इस तथ्य के बावजूद है कि देश की जनसंख्या अप्रत्याशित गति से बढ़ी है। यदि जनसंख्या नियंत्रण की कार्यनीति पर सही ढंग से अमल किया जाता तो साक्षरता से संबंधित आंकड़े अवश्य ही अधिक उत्साहवर्धक होते। देश में औसत साक्षरता दर 1951 में केवल 18.33% थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 65.38 यानी लगभग 3.5 गुना हो गई। इसी तरह पुरुषों की साक्षरता दर इसी अवधि में 27.16% से बढ़कर 75.87% हो गई, जो लगभग 2.5 गुना वृद्धि का द्योतक है। किंतु महिला साक्षरता में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई, जो 1951 में 8.86 से बढ़कर 2001 में 54.16% हो गई। एक और उत्साहवर्धक पहलू यह है कि महिला साक्षरता की दर में पिछले दशकों के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। साक्षरता दर में यह वृद्धि शिक्षा के प्रसार की दिशा में किए गए सुनियोजित प्रयासों का परिणाम है। साक्षरता दर में वृद्धि के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान तथा प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एवं सुधार के उपायों का विशेष योगदान है। हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाकर देशवासियों को याद दिलाया जाता है।